आज हम विषय को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक अनुसंधान और समाजशास्त्र में व्यक्ति परकता पर प्रकाश डालेंगे। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि वस्तु परकता सामाजिक अनुसंधान का आधार होती है, सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ होती है, क्योंकि बिना वस्तु परकता के हम शुद्ध परिणामों, निष्पक्ष अवलोकन की कल्पना नहीं कर सकते। बाय नाउ वी हैव लर्न्ड दैट इन सोशल साइंसेज, सोशल स्टडीज, सोशल रिसर्चेज, ऑब्जेक्टिविटी इज द कोर, ऑब्जेक्टिविटी इज द बैकबोन, ऑब्जेक्टिविटी इज द वेरी बेसिस विदाउट विच इम्पार्शियल रिजल्ट्स, एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, एक्चुअल स्टडीज कैन नॉट बी इमेजिन्ड। तो वस्तु परकता तो सामाजिक अनुसंधान का आधार है ही, लेकिन समाजशास्त्रीय अध्ययनों में, या कहना चाहिए कि सामाजिक अनुसंधान में, वस्तु परकता को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। कारण यह है कि जो व्यक्ति अनुसंधान करता है, जो व्यक्ति किसी भी घटना का अध्ययन कर रहा है, वो व्यक्ति समाज का सदस्य है। समाज में ही वह पैदा होता है, समाज में ही पलता है और बड़ा होता है, समाज में ही लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध बनाता है, और ये संबंध वस्तु परकता लाने में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। तो तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान में वस्तु परकता को मेंटेन करके रखना, बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि कई स्तरों पर देखा जाता है, पाया जाता है कि व्यक्ति परकता वहां आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे व्यक्ति परकता के बारे में, कि व्यक्ति परकता क्या होती है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति परकता और वस्तु परकता में क्या अंतर है। व्यक्ति परकता को बताने के लिए, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं अपने इस व्याख्यान में थियोडोरसन एवं थियोडोरसन के विचार प्रस्तुत करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। थियोडोरसन ने कहा है कि वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित या व्यक्त करते हैं, व्यक्ति परकता या व्यक्तिनिष्ठता कहलाते हैं। मैं दोबारा इसको बताना पसंद करूंगा। वे गुण जो व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित या व्यक्त करते हैं, उन गुणों से संबंधित होती है, या उन गुणों के प्रतिबिंब से संबंधित होती है व्यक्ति परकता। इंडीड इन सोशल रिसर्चेज, सोशल स्टडीज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी। द रीजन इज सिंपल, द पर्सन हु इज द स्टडी मेकर, हु इज अ सोशल साइंटिस्ट, हु इज अ रिसर्चर, हु इज एन इन्वेस्टिगेटर, इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी।
ही इज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन सोसाइटी, ही ग्रोज अप इन ईयर्स इन सोसाइटी एंड ही डेवलप्स सेवरल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स विद द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. Some of them fall in the category of his friends with whom he is very intimate, very close. On the contrary, some others fall in the category of those whom he does not like, whom he does not favor. तो दोनों ही प्रकार के लोग उसके समाज में होते हैं. कुछ लोगों के प्रति उसकी धारणाएं अच्छी होती हैं, कुछ के प्रति उसकी धारणाएं गलत होती हैं. और जब एक ऐसा व्यक्ति जिसके समाज के लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के संबंध हैं किसी अध्ययन की ओर अग्रसर होता है, और अध्ययन भी ऐसा जो उन्हीं लोगों पर आधारित है जो उसके आसपास हैं, जो उसके मित्र हैं और जो उसके दुश्मन भी हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पक्षपात की संभावना अधिक रहती है, पक्षपात देखा जाता है. थियोडोरसन और थियोडोरसन के शब्दों को मैंने अभी प्रस्तुत किया व्यक्तिपरकता को बताने के लिए कि उन्होंने बताया कि व्यक्तिपरकता एक गुण है जिसके द्वारा व्यक्ति के निजी और विशिष्ट अनुभवों को प्रतिबिंबित किया जाता है. तो सब्जेक्टिविटी इज अ फीचर विच रिफ्लेक्ट्स द पर्सनल एंड स्पेसिफिक experiences of men. सामाजिक अनुसंधान में अक्सर देखा जाता है कि समाज वैज्ञानिक व्यक्तिगत अनुभवों को, व्यक्तिगत इच्छाओं को बीच में ले आते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अनुसंधान का जो विशिष्ट उद्देश्य है, घटना का वास्तविक अध्ययन करना, घटना के बारे में वास्तविक परिणाम निकालना, यह उद्देश्य नष्ट हो जाता है. अब हम बात करेंगे व्यक्ति परकता के कुछ विशेषताओं के बारे में. व्यक्ति परकता कि पहली विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता की भावनाओं, पूर्वाग्रहों आदि का प्रभाव तथ्यों के संकलन पर पड़ता है और अध्ययन व्यक्तिपरक होता है. यदि अनुसंधानकर्ता व्यक्तिपरकता से प्रभावित है, इफ ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिविटी, ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स द कलेक्शन ऑफ डाटा. दूसरी विशेषता है कि शोधकर्ता घटना का अध्ययन निष्पक्ष रूप से नहीं कर पाता है और उसके पूर्वाग्रहों से अध्ययन पक्षपातपूर्ण हो जाता है. ही फेल्स टू स्टडी द प्रॉब्लम साइंटिफिकली, इम्पार्शियली एंड ऑब्वियसली इन सच अ केस रिजल्ट्स आर फाउंड फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर फाउंड टू बी फुल ऑफ पार्शियलिटी. अगली विशेषता के रूप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधार्थी
या शोधकर्ता या समाज वैज्ञानिक अभिनति के प्रति जागरूक नहीं होता है। व्यक्तिपरकता की अगली विशेषता है कि व्यक्तिपरक अध्ययन में शोधकर्ता अपनी संस्कृति, धर्म, धारणाओं और विचारों से प्रभावित होकर घटना का अवलोकन और अध्ययन करता है। सब्जेक्टिविटी इज फाउंड इन दैट केस व्हेन द रिसर्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ओन कल्चर, बाय हिज ओन कन्विक्शंस, बाय हिज ओन रिलीजन एंड ही स्टडीज अ प्रॉब्लम कीपिंग इन व्यू ऑल दी थिंग्स, ऑल दी पर्सनल थिंग्स इन इच माइंड। एंड इफ इट सो हैपन्स ऑब्वियसली इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ऑन द सोशल स्टडी, ऑन द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम। वैज्ञानिक घटना का अध्ययन खुले दिमाग से नहीं करता है, ये इसकी अगली विशेषता है। ही इज नॉट ब्रॉड माइंडेड, ही इज नॉट ओपन माइंडेड, ही नैरो माइंडेड। वह घटना का अध्ययन मूल्य युक्त होकर करता है, जो उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं उनको ध्यान में रखकर, उनको केंद्र में रखकर वह घटना का अध्ययन करता है जो नहीं होना चाहिए। अगली विशेषता वस्तु व्यक्तिपरकता की है कि वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में वस्तुपरकता लाने के लिए प्रविधियों के विकास के प्रति कोई प्रयास नहीं करता है। ही मेक्स नो एफर्ट्स टू इंप्रूव द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। तो इस प्रकार से व्यक्तिपरकता के प्रभाव में यदि एक अनुसंधानकर्ता किसी अध्ययन को संचालित करता है, अध्ययन करता है किसी घटना के अध्ययन को करता है, तो उस स्थिति में ना तो घटना का वास्तविक अध्ययन हो पाता है, ना घटना का वास्तविक अवलोकन हो पाता है। संकलित तथ्य भी दोषपूर्ण होते हैं, गलत होते हैं, भ्रामक होते हैं, जो परिणाम या फाइंडिंग्स होती हैं वो भी दोषपूर्ण होती हैं। और इस प्रकार से शोध अथवा अनुसंधान की आत्मा पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो इस व्याख्यान के माध्यम से मेरा सभी अनुसंधानकर्ताओं से यही आग्रह है कि वे अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, व्यक्ति निष्ठता, व्यक्ति परकता से मुक्त होकर अध्ययन करें और वस्तुनिष्ठता या वस्तुपरकता को अपने अध्ययन में पूरी तरह स्थान दें। सो इट इज माई सजेशन टू रिसर्चर्स, टू सोशल साइंटिस्ट्स दैट दे शुड स्टडी अ प्रॉब्लम कीपिंग देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम देयर पर्सनल प्रेजुडिसेस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कन्विक्शंस, पर्सनल कल्चर, पर्सनल रिलीजन, टू देम ऑल द यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी अलाइक, नन ऑफ देम शुड बी अ फ्रेंड और एनिमी ऑफ द रिसर्चर। सो इफ विद दिस स्पिरिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी
अ स्टडी इज मेड, ओब्वियसली दैट स्टडी विल बी अ लेजिटिमेट स्टडी एंड ओनली विद द स्पिरिट ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ट्रू स्टडी ऑफ अ प्रॉब्लम ट्रू स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना कैन बी मेड ब्रिंगिंग सब्जेक्टिविटी विल बी जस्ट द स्पॉइलिंग ऑफ द साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ द वर्क सो देर शुड बी नो रूम फॉर सब्जेक्टिविटी इन सोशल रिसर्च इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना यही अनुसंधान का एक मूल आधार है वस्तुपरकता को बनाए रखना है और व्यक्तिपरकता से ऊपर उठकर व्यक्तिपरकता से पूर्णतः मुक्त होकर अध्ययन करना है।